आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल द एटम्स ऑफ सोडियम टू सोडियम आयंस प्रेजेंट इन 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम वेपर्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज 495 किलो जूल पर मोल। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। उसने हमें क्वेश्चन में बोला है दैट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी जो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी टू कन्वर्ट ऑल द एटम्स ऑफ सोडियम टू सोडियम आयंस। मींस हमें जो हमारे सोडियम वेपर्स हैं, ठीक है, सोडियम वेपर्स से सोडियम आयंस बनाने में जो एनर्जी यूज होती है वो एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है फॉर 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम। किसके लिए? फॉर 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम। ये हमारा हो गया टू कैलकुलेट, ठीक है। गिवन है हमें दैट फॉर वन मोल ऑफ सोडियम वेपर्स एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन मोल ऑफ एनए वेपर्स टू कन्वर्ट इन एनए पॉजिटिव आयंस प्लस वन इलेक्ट्रॉन इज 495 किलोजूल। देखो यहाँ पर गिवन है कि 495 किलो जूल यूज हो रही है फॉर वन मोल, तो वन मोल के लिए मैं लिख सकती हूँ दैट फॉर 23 ग्राम ऑफ सोडियम वेपर्स, क्योंकि वन मोल जो सोडियम का वेट होता है वो 23 ग्राम पर मोल होता है, तो मैं लिख सकती हूँ वन मोल एनए के लिए यानी कि फॉर 23 ग्राम ऑफ एनए टू कन्वर्ट इनटू एनए पॉजिटिव गैस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है एनर्जी रिक्वायर्ड। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड की, कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन मोल ऑफ सोडियम गैस टू कन्वर्ट इनटू एनए पॉजिटिव इज 495 किलो जूल। वन मोल को ही मैं लिख सकती हूँ 23 ग्राम ऑफ सोडियम, तो वो भी हमारे पास क्या हो गया 495 किलो जूल ही हो गया ये, क्योंकि वन मोल लिखो या 23 ग्राम लिखो एक ही बात है। अब हमें कैलकुलेट करना है फॉर 3 मिलीग्राम, ठीक है। अब 2.3 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है फॉर 2.3 मिलीग्राम ऑफ एनए वेपर्स टू कन्वर्ट इन एनए पॉजिटिव गैसियस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी देखो। सबसे पहले तो अगर मैं 2.3 मिलीग्राम को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ग्राम की कर रहे हैं और यहाँ पर मिलीग्राम की, तो 2.3 मिलीग्राम को मैं कैसे कर सकती हूँ, डिवाइड बाय 1000 ग्राम्स कर सकती हूँ, है ना, 2.3 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 2.3 बाय 1000 ग्राम, या डेसिमल हटा के जीरो लगा दिया, ठीक है, तो ये हो गया 23 डिवाइड बाय 10000 ग्राम। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 23 बाय 10000 ग्राम ऑफ एनए वेपर्स, सोडियम वेपर्स टू कन्वर्ट इन एनए पॉजिटिव विल बी कितनी हो जाएगी, 23 के लिए 495 किलो जूल्स, इसको हम लिख सकते हैं 495000 जूल्स, क्योंकि उसने हमसे क्वेश्चन में बोला था टू कैलकुलेट एनर्जी इन जूल्स, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 495000 जूल्स 23 के लिए, तो 1 के लिए 23 इंटू में 23 बाय 10000, ठीक है। देखो कुछ नहीं करा है, सिंपल है, 23 ग्राम के लिए 495000 जूल्स हो गया, 1 ग्राम के लिए 23 हो गया, और 23 बाय 10000 निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखिए 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, 23 से 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो 10 है ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब 495 बाय 10 जूल्स, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 49.5 जूल्स। दिस विल बी आवर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 2.3 मिलीग्राम्स, ठीक है। आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू ऑल, थैंक्स अ लॉट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।